नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ गुरु में। मैं अनुराग ऋषि और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर हु कैन सू, हु कैन नॉट सू और हु कैन नॉट बी सूड। यानी कि दोस्तों, लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर कौन व्यक्ति केस फाइल कर सकता है, कौन केस फाइल नहीं कर सकता, किसके खिलाफ किया जा सकता है और किसके खिलाफ नहीं किया जा सकता। बोले तो पूरे टॉर्ट का निचोड़ सिर्फ एक वीडियो में, जो हर पेपर में, हर एग्ज़ाम में लगभग 20 नंबर का आता ही आता है। तो अगर आपको भी अपने एग्ज़ाम्स में 20 नंबर अपने सिक्योर करने हैं और इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से करना है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हु कैन सू, यानी कि कौन सा व्यक्ति जो है लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर केस फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जनरल रूल ये है कि जिस व्यक्ति के राइट्स का वायोलेशन होता है लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर, वो सभी व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति पर केस फाइल कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि हर एक केस के अंदर दो पार्टीज होती हैं, वादी और प्रतिवादी, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, या ये कहें केस करने वाला और वह व्यक्ति जिसके खिलाफ केस होता है। ऐसे ही लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर दो पार्टीज होती हैं, पहला केस करने वाला और दूसरा केस जिसके खिलाफ किया जाता है। तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर हर एक व्यक्ति जिसके राइट्स का वॉयलेशन किया जाता है रॉन्ग डूअर के द्वारा, तो वो सभी व्यक्ति उस रॉन्ग डूअर पर केस फाइल कर सकते हैं। पर अकॉर्डिंग टू सामंड, यानी कि दोस्तों सामंड के हिसाब से, इस जनरल रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं। यानी कि दोस्तों, इस जनरल रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं जो ना तो केस कर सकते हैं और ना जिन पे केस किया जा सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं उन एक्सेप्शंस की, यानी कि हु कैन नॉट सू, या ये कहें कि वह व्यक्ति जो केस फाइल नहीं कर सकते। जैसे हमने जनरल रूल में पढ़ा ऊपर कि सभी व्यक्ति केस फाइल कर सकते हैं, पर कुछ व्यक्ति अपनी पर्सनल डिसेबिलिटी के कारण केस फाइल नहीं कर सकते। वो कौन कौन से व्यक्ति होते हैं दोस्तों? पहले हम बात करेंगे उन व्यक्तिज़ की, उन पर्सन्स की जो केस फाइल नहीं कर सकते। उसके बाद में उसके इंग्लैंड में क्या प्रोविज़न है, और साथ ही साथ फिर देखेंगे इंडिया में क्या प्रोविज़न है। तो इस वीडियो में हम इंग्लैंड और इंडिया दोनों के प्रोविज़न साथ साथ कंपेयर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, नंबर एक पे आता है एलियन इनेमी। दोस्तों, एक एलियन इनेमी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हमारी इनेमी कंट्री, इनेमी नेशनैलिटी जो कह सकते हैं, का व्यक्ति होता है। यानी कि वह व्यक्ति जो हमारे शत्रु देश से बिलोंग करता है। अब आपको शत्रु देश समझाने की आवश्यकता तो नहीं होगी मुझे लगता है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति हमारे किसी शत्रु देश से बिलोंग करता है, तो उसको हम एलियन इनेमी कहते हैं। अब बात करते हैं उसके इंग्लैंड में क्या प्रोविज़न है, क्या इंग्लैंड में वो व्यक्ति केस फाइल कर सकता है? तो दोस्तों, डायरेक्ट ये प्रोविज़न है कि वह व्यक्ति केस फाइल नहीं कर सकता, पर काउंसिल से ऑर्डर लेकर या लाइसेंस लेकर वो केस फाइल कर सकता है। वहीं अगर हम बात करें कि इंडिया में क्या प्रोविज़न है, तो इंडिया में भी कोई भी एलियन इनेमी डायरेक्ट केस फाइल नहीं कर सकता, पर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेकर वो व्यक्ति केस फाइल कर सकता है, जो कि बताया गया है CPC के सेक्शन 83 के अंदर। अब हम बात करते हैं दूसरे व्यक्ति की, कन्विक्ट। दोस्तों, कन्विक्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके खिलाफ डेथ पेनल्टी या पिनल सर्विट्यूड की जजमेंट पास की गई हो। क्या वह व्यक्ति केस फाइल कर सकता है? अगर हम बात करें इंग्लैंड में क्या प्रोविज़न है, तो दोस्तों ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ डेथ पेनल्टी पास की गई है, वह व्यक्ति केस फाइल नहीं कर सकता था इंग्लैंड में। पर 1948 में क्रिमिनल जस्टिस एक्ट आया, जिसने इस पोर्शन को, या ये कहें इस प्रोविज़न को थोड़ा सा चेंज कर दिया। इस एक्ट के बाद में बताया गया कि अगर कोई कन्विक्ट व्यक्ति है तो वो अपनी प्रॉपर्टी के लिए कोई भी सूट फाइल नहीं कर सकता, पर वो अपने पर्सन के लिए, यानी कि अपनी बॉडी की इंजरी के लिए, बॉडी से रिलेटेड कोई भी अगर उसके खिलाफ हार्म किया जा रहा है, तो उससे रिलेटेड वो केस या सूट फाइल कर सकता है। वहीं अगर हम बात करें कि इंडिया में क्या प्रोविज़न है इसके, तो दोस्तों 1921 तक इंडिया में भी यही प्रोविज़न था कि कोई भी कन्विक्ट जो व्यक्ति होगा वो केस फाइल नहीं कर सकता था। पर 1921 के बाद से इंडिया में भी सेम प्रोविज़न इंग्लैंड की तरह हो गए हैं, कि उसके बाद से कोई भी कन्विक्ट व्यक्ति अपनी पर्सनल बॉडी से रिलेटेड टॉर्ट फाइल या सूट फाइल कर सकता है। अब बात करते हैं अगले एक्सेप्शन की, तो वो है बैंक्रप्ट। दोस्तों, बैंक्रप्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। तो इंग्लैंड में दिवालिया घोषित किए हुए व्यक्ति के क्या राइट्स होते हैं या क्या प्रोविज़न होते हैं? तो दोस्तों, जो व्यक्ति दिवालिया घोषित कर दिया गया है, इसका मतलब उसके पास में कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, वो पहले से ही बैंक्रप्ट हो चुका है।
तो जब प्रॉपर्टी नहीं है तो प्रॉपर्टी के खिलाफ केस फाइल या सूट फाइल नहीं कर सकता। हाँ, अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, माफ कीजिएगा, अपनी बॉडी से रिलेटेड वो सूट फाइल कर सकता है। और यही प्रोविजन अपनाया गया इंडिया में भी कि बैंक्रप्ट व्यक्ति असॉल्ट, डेफामेशन, सिडक्शन ऑफ सर्वेंट्स से रिलेटेड कोई भी अगर उससे पर्सनल रॉन्ग हो रहा है तो उससे रिलेटेड वो सूट फाइल कर सकता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने 3 एक्सेप्शन देखे, एलियन इनेमी, कन्विक्ट और बैंक्रप्ट। अब बात आती है 4th एक्सेप्शन की, जो कि है हस्बैंड एंड वाइफ। दोस्तों, हस्बैंड वाइफ को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तो इसको बता देते हैं कि इंग्लैंड में क्या प्रोविजन है और डायरेक्ट इंडिया में क्या प्रोविजन है। इंग्लैंड में दोस्तों वाइफ अपने हस्बैंड पर या हस्बैंड अपनी वाइफ पर केस फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि माना जाता है कि दोनों एक सोल हैं, एक ही व्यक्ति हैं, इसलिए वो दोनों एक दूसरे पर केस फाइल नहीं कर सकते। पर 1882 में मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट नाम का एक एक्ट हमारे सामने आया, जिसमें महिलाएं जो हैं अपने हस्बैंड पर अपनी सेपरेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट और सिक्योर करने के लिए केस फाइल कर सकती है। पर ऐसा कोई भी मामला पुरुष के संबंध में, या ये कहें ऐसा कोई भी एक्ट हस्बैंड के संबंध में नहीं आया, तो हस्बैंड जो है अपनी वाइफ पर किसी भी तरह से कोई भी केस नहीं कर सकता लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर। दोस्तों ध्यान रखना, हम जो इस वीडियो में बात कर रहे हैं लॉ ऑफ टॉर्ट की कर रहे हैं, कहीं भी आप समझें कि कोई भी क्रिमिनल मैटर हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे पर नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पर लॉ ऑफ टॉर्ट की बात कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें इंडिया में इसके क्या प्रोविजन है, दोस्तों इस मामले में इंडिया थोड़ा सा एडवांस हो गया। उसने इंग्लैंड का ये प्रोविजन कि हस्बैंड और वाइफ जो है एक ही सोल है, एक ही एंटिटी है, एक्सेप्ट नहीं किया। यानी कि उसके मुताबिक हस्बैंड और वाइफ जो है अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं, अलग अलग सोल हैं। तो जब दो व्यक्ति अलग अलग हैं तो वो व्यक्ति आपस में एक दूसरे पर सूट फाइल, केस फाइल कर सकते हैं। यानी कि इंडिया में हस्बैंड वाइफ पर और वाइफ हस्बैंड पर लॉ ऑफ टॉट के तहत सूट फाइल कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सेप्शन की, यानी कि कॉरपोरेशन। दोस्तों कॉरपोरेशन को हम सब लोग जानते हैं कि वो एक नेचुरल पर्सन नहीं है, वो एक लीगल पर्सन है, यानी कि वो केस फाइल नहीं कर सकती उसके किसी भी हार्म के लिए। पर उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड या उसके बिजनेस से रिलेटेड अगर उसको कोई हार्म किया जाता है, तो उससे रिलेटेड एक कॉरपोरेशन जो है किसी भी इंडिविजुअल की तरह सूट फाइल कर सकती है। और यही प्रोविजन इंग्लैंड में भी है और इंडिया में भी है, इसलिए हमें इन्हें अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं इन्फेंट, यानी कि दोस्तों नवजात शिशु। तो हम आप लोगों को बता दें कि कोई भी नवजात शिशु जो है वो टॉट के तहत सूट फाइल कर सकता है उसके नेक्स्ट फ्रेंड या उसके गार्जियन के द्वारा। पर दोस्तों एक केस आया था वॉकर वर्सेस ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी। उस केस में बताया गया था कि अगर कोई भी शिशु अपनी माँ के पेट में है, या ये कहें कि अभी तक वो बाहर नहीं आया है, उसकी माँ की डिलीवरी नहीं हुई है, तो उसके बिहाफ में उसकी माँ जो है वो केस फाइल या सूट फाइल नहीं कर सकती। पर दोस्तों 1976 में इंग्लैंड में एक और एक्ट पास हुआ जिसका नाम था कॉन्जेनिटल डिसेबिलिटीज़ सिविल लाइबिलिटी एक्ट। इसमें बताया गया कि अगर कोई भी अनबॉर्न चाइल्ड डिसेबल पैदा होता है किसी अदर पर्सन के फॉल्ट के कारण, तो उसकी माँ उस डिसेबल बच्चे के बिहाफ में सूट फाइल कर सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट एक्सेप्शन ऑफ दिस पॉइंट, फॉरेन स्टेट। फॉरेन स्टेट यानी कि दोस्तों अदर कंट्रीज़, फॉरेन कंट्रीज़ होती हैं, तो फॉरेन कंट्री भी अगर हम बात करें इंग्लैंड के प्रोविज़न की, तो वो डायरेक्ट सूट फाइल नहीं कर सकती। और अगर हम बात करें इंडिया के प्रोविज़न की, तो एक फॉरेन कंट्री या ये कहें कि फॉरेन स्टेट जो है उसको पावर दी जाती है CPC के सेक्शन 84 के तहत कि वो इंडिया में किसी भी कोर्ट में सूट फाइल कर सकती है। तो दोस्तों ये थे प्रोविजंस हु कैन नॉट सू के। अब हम बात करें हु कैन नॉट बी सूड, यानी कि वह व्यक्ति जिनके खिलाफ सूट फाइल नहीं किया जा सकता, या ये कहें जिनके खिलाफ केस दर्ज नहीं किया जा सकता, वो कौन कौन से व्यक्तिज हैं उनको अब हम देखते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों सॉवरन और द क्राउन। दोस्तों अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो एक राजा होता था जिसके खिलाफ अगर कोई भी व्यक्ति बोलता था तो उसको कड़ी सजा दी जाती थी, क्योंकि ये माना जाता था कि जो राजा है वो कुछ भी गलत नहीं कर सकता, किंग कैन डू नो रॉन्ग। ऐसे ही प्रोविजन आज के टाइम में भी उठाकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रख दिए गए हैं, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति सॉवरन के खिलाफ बोलता है, यानी कि दोस्तों प्रेसिडेंट, गवर्नर,
राज प्रमुख एक्सेट्रा एक्सेट्रा के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 361 में भी बताया गया है कि द प्रेसिडेंट गवर्नर एंड राज प्रमुख ऑफ स्टेट शैल नॉट बी आंसरेबल टू एनी कोर्ट, यानी कि इन लोगों के खिलाफ सूट फाइल नहीं किया जा सकता तब तक जब तक वो अपने पद पर बने हुए हैं, यानी कि जब तक वो सॉवरन बने हुए हैं। बात करें दूसरे एक्सेप्शन की तो दोस्तों फॉरेन सॉवरन जो हैं उसके खिलाफ भी कोई व्यक्ति सूट फाइल डायरेक्ट नहीं कर सकता तब तक जब तक वो खुद अपने आप को किसी ज्यूरिडिक्शन या किसी कोर्ट के सामने सबमिट नहीं कर देते। दोस्तों जैसे हमारे कंट्री की गरिमा है, सॉवरन है, वैसे ही दूसरी कंट्री की भी गरिमा और सॉवरेनिटी होती है। तो कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट किसी सॉवरन के तहत या किसी सॉवरन के ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकता। इसके लिए कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ प्रोसीजर हैं, उस प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद ही आप सामने वाले सॉवरन व्यक्ति के ऊपर या ये कहें सॉवरन के ऊपर सूट फाइल कर सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड नंबर पर अम्बेसडर। तो दोस्तों अगर कोई भी फॉरेन अम्बेसडर है वह व्यक्ति उसकी फैमिली उसके सर्वेंट्स तक को भी कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सूट फाइल नहीं कर सकता तब तक जब तक वो अपनी सॉवरेनिटी पर या ये कहें तब तक जब तक वो अपनी पोस्ट पर अपने ऑफिस का कार्यभार संभाले हुए हैं तब तक कोई भी व्यक्ति फॉरेन एम्बेसडर उसकी फैमिली उसके सर्वेंट पर केस फाइल या सूट फाइल नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट है पब्लिक ऑफिशियल्स। तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति किसी पब्लिक ऑफिसर अगर उस ऑफिसर ने कोई टॉर्ट कमिट कर दिया है तो उसके खिलाफ सूट फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि ये माना जाता है कि पब्लिक ऑफिसर जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं सॉवरन के या ये कहें क्राउन के। तो उन्होंने जो एक्ट किया है वो सॉवरन एक्ट है, वो सॉवरन के द्वारा करवाया गया एक्ट है, इसलिए वो व्यक्ति लायबल नहीं समझा जाता या नहीं माना जाता, इसलिए पब्लिक सर्वेंट या पब्लिक ऑफिसर पर सूट फाइल नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट एक्सेप्शन की, यानी कि इन्फेंट्स की। तो दोस्तों जनरली इन्फेंट्स जो होते हैं या ये कहें जो नाबालिग शिशु होते हैं, छोटे शिशु जो होते हैं, वो लायबल नहीं होते किसी भी तरह के टॉर्ट के लिए, पर जो माइनर होते हैं वो लायबल होते हैं असॉल्ट, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, लायबल स्लैंडर, सिडक्शन, ट्रेसपास, रॉन्गफुल डिटेंशन ऑफ गुड्स, फ्रॉड, और तो और न्यूसेंस से अगर किसी को इंजरी होती है तो वो ऐसे ही लायबल होंगे जैसे कि कोई भी मेजर व्यक्ति होता है, और उसके खिलाफ में ऐसे ही सूट फाइल किया जा सकता है जैसे किसी मेजर के खिलाफ। अब हम बात करते हैं अगले एक्सेप्शन की, लुनेटिक एंड ड्रंकर्ड्स, यानी कि दोस्तों ऐसा व्यक्ति जो नशेड़ी होता है। तो नशेड़ी व्यक्ति या ये कहें ड्रंकर्ड व्यक्ति जो होता है जहाँ पर मेंटल कंडीशन लगती है ऐसे किसी टॉर्ट के लिए लायबल नहीं होता है, उसके खिलाफ सूट फाइल नहीं किया जा सकता। अब अगला पॉइंट है कॉरपोरेशन। तो दोस्तों एक कॉरपोरेशन को भी कोई व्यक्ति सूट फाइल नहीं कर सकता या ये कहें कैन नॉट बी सूड। इसमें भी दो पॉइंट हैं, या तो जो काम किया गया है उसके एजेंट या एम्प्लॉय के द्वारा किया गया है तो उस पर सूट फाइल किया जा सकता है, और द एक्ट डन वॉज विद इन द पर्पज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन, यानी कि जो एक्ट किया गया है वो इनकॉर्पोरेशन के पर्पज में किया गया हो तब तो कॉरपोरेशन पे केस फाइल किया जा सकता है, सूट फाइल किया जा सकता है, नहीं तो नहीं। अगला एक्सेप्शन है इसमें ट्रेड यूनियन। तो दोस्तों द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1906 यानी कि 1906 के ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट के तहत ये बताया गया है कि अगर कोई भी ट्रेड यूनियन या किसी मेंबर ने अगर यूनियन के बिहाफ में कोई भी एक्ट किया है या टॉर्ट किया है तो ट्रेड यूनियन जो है वो लायबल नहीं होगी। पर 1927 में इस एक्ट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ और उसके बाद में बताया गया कि कोई भी ट्रेड यूनियन जो है वो लायबल होगी अगर वो किसी जनरल स्ट्राइक को प्रमोट करते हैं तो। यानी कि दोस्तों 1927 के बाद से इस एक्ट में मॉडिफिकेशन के तहत ये बताया गया कि हाँ ट्रेड यूनियन को भी सूट फाइल किया जा सकता है। अब बात करते हैं हम अगले एक्सेप्शन की, यानी कि मैरिड वुमेन। तो दोस्तों कॉमन लॉ के तहत एक मैरिड वुमेन जो है वो अकेले सूट फाइल नहीं की जा सकती जब तक उसका हस्बैंड जो है उसके साथ में डिफेंडेंट ना हो, यानी कि उसके हस्बैंड ने उसके साथ में कोई रॉन्ग कमिट ना किया गया हो। तो अगर हस्बैंड और वाइफ ने दोनों ने कोई रॉन्ग कमिट किया है, दोनों डिफेंडेंट है, तो वाइफ पे कमिट जो है सूट फाइल किया जा सकता है, अदरवाइज वाइफ पे अकेले कोई भी सूट फाइल नहीं किया जा सकता। पर मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट 1874 जो आया इंडिया में उसमें बताया गया कि कोई भी वुमेन नॉट बीइंग ए हिंदू, मोहम्मदन, बुद्धिस्ट, जैन और सिख मे सू एंड बी सूड अलोन, यानी कि इस एक्ट के तहत ये बताया गया कि कोई भी महिला, कोई भी शादीशुदा महिला अकेले जो है वो सूट फाइल की जा सकती है और कर भी सकती है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो
हमने बात करी जिसमें हमने बताया कि कौन व्यक्ति टॉट में केस फाइल कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, किसके खिलाफ किया जा सकता है और किसके खिलाफ नहीं किया जा सकता। यानी कि हम देखें तो हमने टॉट के कंप्लीट लेक्चर को हमने आज कवर किया है। इस वीडियो के नोट्स का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके उन नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने फेसबुक पेज का लिंक और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी डाल दिया है। तो अगर आपको कोई डाउट है किसी भी वीडियो से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो हमें वहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप लॉ के स्टूडेंट्स हैं तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कि उन बच्चों का भी उन दोस्तों का भी डाउट क्लियर हो जाए इस टॉपिक को लेकर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल का बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि कि आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।